मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज 15th of May 2021. यू आर इन क्लास 8th एंड लर्निंग इंग्लिश. टॉपिक इज द ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग इन जम्मू एंड कश्मीर. The Energy and Resource Institute has selected the Kulhai Glacier in the West Lidar Valley as one of the index glacier for long-term monitoring. तो बच्चों, यहाँ in जम्मू and कश्मीर द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जो है जम्मू कश्मीर में, एनर्जी जो रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, ने वादी लिदर के मगरिब में कुल्हाई ग्लेशियर को लंबे उर्से की निगरानी के लिए इंडेक्स एक अलामती ग्लेशियर की शक्ल में चुना है. तो इसे साफ जाहिर होता है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि जो पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि जो इको सेंसिटिव वो एरिया, वो इलाके हिंदुस्तान के जिन्हें नोटिफाइड किया है मिनिस्ट्री ऑफ Environment and Forestry and Climate Change. तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंतज़ाम किया है कि वो कैसे प्रोटेक्ट करे उन एरिया को जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इनको कैसे हम एक तहफ़ देंगे कि इस सिलसिले में हमारे जो एरिया है, जो कुछ इलाके हैं, उनको इसके लिए एक इंडेक्स के तौर पर एक अलामती शक्ल दी है. तो इस इंडेक्स के लिए हमारा जो ग्लेशियर कुल्हाई है उसको लंबे उर्से के लिए इस्तेमाल करने के लिए इस एरिया में जो इको सेंसिटिव एरियाज है उसमें हमारा कुल्हाई ग्लेशियर भी है. लिदर वैली कवर्स एन एरिया ऑफ मोर देन 122 स्क्वायर किलोमीटर्स. तो इसका जो कवर एरिया है, तो ये जो लिदर वैली है, इसका कवर एरिया जो इसने कवर किया वो 122 मुरब्बा किलोमीटर हैं. एंड इट सस्टेन्स अबाउट 48 ग्लेशियर्स कवरिंग एन आइस कवर्ड एरिया ऑफ 39 स्क्वायर किलोमीटर. जैसा कि मैंने बताया कि वादी लिदर 122 मुरबा किलोमीटर से ज़्यादा के इलाके में फैली हुई ये है, और ये 48 ग्लेशियर्स को सस्टेन यानी बरकरार रखने वाली है. तो ये 48 ग्लेशियर्स को बरकरार रखने वाली है जो मुरबा जो 39 मुरबा यानी 39 किलोमीटर्स स्क्वायर मुरब्बा कवर करती है. तो यहाँ पर मैं थोड़ा और आपको समझाऊँ कि लिदर वैली के मुतालिक. लिदर वैली कवर्स एन एरिया ऑफ मोर देन 120 स्क्वायर किलोमीटर्स. 120 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली है. And it sustains और बरकरार रखती है about 48 glaciers. तो 48 glaciers को बरकरार रखती है.
तो इसका यहाँ पर जो कवरिंग एरिया है आइस कवर्ड, तो यहाँ पर जो इसका यक, जो इसकी जो यक बस्ता एरिया इसका बना है यहाँ पर एरिया, वो है 39 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी जो 48 ग्लेशियर्स कवर करता है। तो इसमें से जो आइस यक बस्ता ग्लेशियर्स जो बने हैं, तो उनका एरिया है 39 स्क्वायर किलोमीटर्स। इट इज इम्पॉर्टेंट एस्टेब्लिश एन इंडेक्स ग्लेशियर इन द रीजन फॉर असेसिंग द वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी टू द कम्युनिटीज इन द वैली। तो मैं यहाँ पर ये बताऊं कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश एन इंडेक्स ग्लेशियर इन दिस रीजन फॉर असेसिंग द वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी टू द कम्युनिटीज इन द वैली। तो प्यारे बच्चों, इस इलाके में, वादी में रहने वाले बस्तियों के लिए पानी के जरिए की दस्तियाबी का अंदाजा लगाने के लिए एक इंडेक्स ग्लेशियर कायम करना जरूरी है। साइंटिफिक स्टडीज कंडक्टेड ऑन द ग्लेशियर विल लास्ट फॉर 5 years, आफ्टर विच टैरी TERI, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, टैरी TERI, तो टैरी का मतलब हो गया यहाँ जो द टी हो गया, द ई हो गया एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, आर हो गया रिसोर्स, आई हो गया इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर जो यहाँ साइंटिफिक स्टडीज कंडक्टेड ऑन द ग्लेशियर विल लास्ट फॉर 5 years, आफ्टर विच टैरी विल रिकमेंड मेजर्स टू ब्रिंग डाउन द ग्लेशियर्स रिसेशन रेट। प्यारे बच्चों, ग्लेशियर पर किए जाने वाले साइनसी तजुर्बे 5 बरसों तक जारी रहेंगे, जिसके बाद ये टैरी ग्लेशियर्स के सुकड़ने की शरह, जो श्रंक हो रहा है, सुकड़ने की शरह को कम करने के लिए कुछ इकदाम की सिफारिश गवर्नमेंट को जरूर करेंगे। तो इससे हमारा जो कैसे जो ये हमारे ग्लेशियर्स सुकड़ रहे हैं और इनका इलाज करने के लिए कैसे इकदाम गवर्नमेंट उठाएंगे, उस पर एक कमेटी जो टैरी है उसकी सिफारिश गवर्नमेंट के सामने होगी। तो इस चीज़ के लिए कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनको बचाया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई कंक्लूड दिस क्लास। टुमारो वी विल रीड मोर अबाउट दिस लेसन। टिल देन,